आज हम सीखने वाले हैं तीनों ऑर्डर के रेशियोज को याद करने वाले ट्रिक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे एंगल्स लिख लिए हैं। अब हम 0 से 4 तक की कांटे लिखेंगे यहाँ पे। या 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब हम सबको 4 से डिवाइड करेंगे। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड अब हम सबको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, 0/4 का क्या आएगा, 0, अगर यहाँ सिंप्लीफाई करें तो। और 1/4 का 1/4 ही आएगा, 2/4 का 1/2, यहाँ पे ये बदल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3/4 ही रहेगा, और यहाँ क्या आएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ ये बदल जाएगा। ठीक है, अब हम सबका रूट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 0 से क्या आएगा, 0 ही आएगा, और 1/4 का क्या आएगा, 1/6 का आएगा, 1/2, और 1/2 का क्या आएगा, 1/√2, और 3/4 का क्या आएगा, √3/2, और 1 का क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारी किसके लिए हो रही है, अभी हमारी साइन थीटा के लिए, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा हो गया। ओके, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये देखिए कॉस थीटा में क्या करना है। जैसे कि अगर साइन, अगर जो वन है वो यहाँ है तो वन को इधर ले जाएंगे, इधर जीरो की जगह, और अगर जीरो यहाँ है तो हम जीरो को इधर ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे भी हम करेंगे ऐसे। तो ये √3/2 है, और 1/2 है तो 1/2, और बीच वाले को ऐसे लीजिए हम। ओके, अब हम निकालेंगे टेन थीटा। क्या निकालेंगे, टेन, हम टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, tan theta is equal to sin theta upon cos theta। ठीक है, sin theta upon cos theta। अब देखिए tan हमने क्या क्या निकाला, 0 degree। ठीक है, 0 degree is equal to sin 0 अपॉन कॉस 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए साइन की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना, साइन की वैल्यू 0 अपॉन कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ 1 लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर किसी नंबर के ऊपर, अगर किसी नंबर के ऊपर 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 0। ठीक है, तो यानी कि टेन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब 10/30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3, और 10/45 की कितनी होगी, 1, और 10/60 की √3, और 10/90 की कितनी होगी, होगी 7। ठीक है, हमने जो 10, 0, 30 and 45 और आर्यों की जो वैल्यू निकाली है वो हमने इसी फॉर्मूले से निकाली है। ठीक है, तो निकालेंगे cos थीटा। ओके, cos थीटा में हमें क्या करना है, जैसे कि हमने साइन और cos में क्या था कि इसको इधर ले आया था, इसको इधर ले आया था, वैसे हम cos में भी करेंगे। तो देखिए हम इनफाइनाइट है तो हम इनफाइनाइट को इधर ले आते हैं। ठीक है, इधर ले आएंगे हम इसे, और देखिए 0 है तो 0 का हम इनफाइनाइट को ले आएंगे, और देखिए √3 को हम इधर ले देंगे, 1/1/ ये ना 1/√3 को ऐसे यहाँ लिख देंगे, और बीच वाले को हम बीच में ही रहने देंगे। तो ये हमारे cos थीटा की वैल्यू निकल गई। अब हम इस फॉर्मूले से cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालें, आप यहाँ पे हम फिर से cos लिखेंगे, इधर हम 0 लगाएंगे, 0 degree हुआ, 0 निकालना है ना, कैसे 0, तो 0 1/sin 0। अगर किसी नंबर के नीचे चाहे वो कोई भी नंबर हो, अगर उसके नीचे 0 आ जाता है तो उसको कितनी आ जाती है, इसके लिए रहती है। ठीक है, यानी कि हम cosec 0 cosec थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, हमने cosec थीटा निकाल लिया है। अब देखिए cosec 30 कितना होगा, 30 होगा 2, उसके बाद
थर्टी फोर बाई सिक्सटी नाइन और भी है, तो हमने इसी फॉर्मूले से निकाली है। ठीक है, जैसे हमने टेन को पलट के कॉट की वैल्यू बनाई थी, वैसे हम कॉसेट को पलट के सेट की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि वन है तो वन को इधर ले जाएंगे, इनफाइनाइट को इधर ले आएंगे, और टू अपॉन रूट थ्री को इधर, टू को इधर, और टू टू को। ठीक है, तो हमारी किसी हो गई सेट। किसी हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।